तो ये पहला वाटर क्रॉसिंग यहाँ पे हमने कर दिया है और अभी सर्वेंट साइज को आराम से गजब। कम ऑन गाइस, कम ऑन। संदन वैली का रास्ता ढूंढते हुए संदन वैली का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके जस्ट पास में पहुंचने वाले हैं और वहां से फिर जो वैली है स्टार्ट हो जाएगी। वैली हमें कवर करनी है, 3.5 किलोमीटर का पूरा रास्ता है। एक इधर से जा रहा है और एक शायद इधर से भी इसका रास्ता जा रहा है, तो ये ज़्यादा सेफ है, इससे जाएंगे। आ जाओ। तो पहुंचने वाले हैं संदन वैली का मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर, और रास्ता काफ़ी पथरीला है तो भी सेफ, जब भी आप यहाँ आएँ सेफली चलें। और इसके बाद में जो है, जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ पत्थर काफ़ी बड़े बड़े हैं, नुकीले पत्थर हैं जो वैली के अंदर हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी सेफली चलना पड़ेगा आपको। तो ये वो लोकेशन है जहाँ से वैली स्टार्ट होती है और बारिश के टाइम इस लोकेशन तक आप आ सकते हैं। बट ये जो पत्थर दिख रहे हैं ये पत्थर दिखेंगे नहीं, यहाँ पे बिल्कुल पानी का स्टोरेज रहता है, पानी चलता रहता है। और ये जो मेन रास्ता है यहाँ पे ये ब्लॉकेज ब्लॉक कर देते हैं इस रास्ते को। अभी भी लोग यहाँ पे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ पे रख रखा है बिल्कुल। हो अभी ये पूरा रास्ता कवर कर सकते हैं हाफ वे, कोई बीच में पानी का ज़्यादा दिक्कत है ना? कितना रहेगा पानी? इतना तक रहेगा। ओके, उधर बोट है ना, बोट है, उस बोट में बैठ के जा सकते हैं। क्या जुगाड़ है ये, पानी के अंदर छोटी सी नाव बना रखी है और इसको क्रॉस करने का जो मजा आ रहा ना वो अलग ही है, इससे अलग लेवल का एक्सपीरियंस। थैंक यू। बोट से हमने ये रास्ता जो है यहाँ पे वाटर जो क्रॉसिंग की है। अभी ये देखिए यहाँ पे एक रेलिंग बना रखी है और इस रेलिंग को हम यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं पानी के साथ में। तो शूज तो यहाँ पे आपके भीगने ही हैं, साथ के साथ आपके कपड़े भी भीग सकते हैं। यदि आपने इस बोट का सहारा ले लिया तो ये आपके पानी जो है यहाँ पे चेस्ट तक आपका पानी रहेगा। तो म्यूजिक यहाँ पे हमने कैरी किया, तो म्यूजिक का भी मजा लेते हुए साथ में साथ ट्रैकिंग करते हुए एडवेंचरस फील, पानी और ये पत्थर को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ते हुए। खत्म हो गया क्या? नहीं, नहीं, नहीं। कितना है? अभी तो शुरू है। शुरू है? एनर्जी बना के रखना है। अरे तू म्यूजिक मैन सरवंसा, अरे खेनी गानी क्या, खेनी बना रखा लो। कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाव में गुजरने पाती। वाह 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 वाह। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। वाह वाह वाह। मगर बिल्कुल सेफली चल रहा है, स्लिप हो सकते हो यहाँ पे, काफी रिस्की ट्रैकिंग है, स्लिप होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो बी सेफ। जब भी आप यहाँ पे आए तो ट्रैकिंग करते वक्त बिल्कुल सेफ रहें और ग्रिप वाले शूज ही लेकर आए, बिकॉज देखिए कितनी गहरी खाई है और कितने तीखे नकुले पत्थर यहाँ पे है, कितने बड़े बड़े पत्थर है। और यहाँ पे सरवण सा थक चुके हैं लग रहा है। जब जब जुल्फें तेरी
लिए हमारे साथ हैं प्रतिपाल जी मेड़तिया, जो कि जेमल जी मेड़तिया के 38वें उत्तराधिकारी, जो 1568 में चित्तौड़ के तीसरे शाखा में वीरगति को प्राप्त हुए थे। बहुत ही शानदार आज हमारी टीम को लीड कर रहे हैं और नासिक टूरिज्म के बहुत ही अच्छे जानकार हैं। गुड 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 सर्वन सा लग रहा है, एक्सपीरियंस होल्डर है। संदन वैली एशिया की सबसे लार्जेस्ट वैली में ट्रैकिंग करने का एक्सपीरियंस आज मिला है, काफ़ी दिनों बाद में। और बहुत दैया जी को यहाँ पे थैंक यू बोलेंगे कि इन्होंने काफ़ी मेहनत की यहाँ पे आने के लिए। संदन वैली का जो ट्रैकिंग है ये अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं और अभी जा रहे हैं रिटर्न, तो यहाँ से थोड़ी सी दूर पे ये ट्रैकिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो संदन वैली यदि आपको आना है, ये ट्रैकिंग करना है, तो इसका जो बेस्ट जो टाइमिंग है वो है दिसंबर टू अप्रैल। आप कभी भी आ सकते हैं। दिसंबर में जो वाटर का लेवल है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे आपके कमर तक या फिर यहाँ कंधे तक भी पानी इस एरिया में आ सकता है। बट धीरे धीरे स्लोली आप जब लेट आएंगे, फरवरी मार्च में आएंगे, तो ये वाटर लेवल थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तो आप ट्रैकिंग करते हैं तो दो तरीके की यहाँ पे ट्रैकिंग होती है। एक तो हाफ वे होती है, जो आपको लगभग 1.5 आवर का आपको टाइम लगेगा, उसमें आप दिन में कभी भी आके आप ट्रैकिंग जो है वो कर सकते हैं। बट यदि आपको फुल ट्रैकिंग करनी है तो आपको वेल प्लान यहाँ पे करना पड़ेगा और उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ पैचेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको रस्सी से वो कवर करने होंगे। तो यहाँ पे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं या अदरवाइज़ मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ के लोकल, वो आपकी हेल्प करेंगे। उसके कुछ वो चार्जेस, मिनिमम चार्जेस कुछ लेते हैं, तो वो आप फुल ट्रैक कर सकते हैं। फुल ट्रैक के लिए आपको मॉर्निंग 5 o'clock या 6 o'clock यहाँ पे अवेलेबल रहना है। जहाँ से भी आप आ रहे हैं यहाँ पे 6 o'clock तक इस एरिया में पहुँच जाना है। तो फिर आपको यहाँ पे फुल डे यहाँ पे आपकी ट्रैकिंग होगी, 12 hours उसमें फुल ट्रैकिंग में लगता है। उसके बाद में आपको नाइट में यहाँ पे कैंपिंग होती है, तो नाइट कैंपिंग करके फिर मॉर्निंग में आप रिटर्न यहाँ से जा सकते हैं। तो ये फुल यहाँ का पैकेज ये अवेलेबल करवाते हैं, तो फुल ट्रैक कर सकते हैं। हाफ ट्रैक में ये जो वैली दिख रही है आपको, ये पूरी वैली आप ये हाफ ट्रैक में कवर हो जाती है और वैली जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में जो ओपन एरिया आता है, फिर आपको उसके बाद में ये फुल जो ट्रैकिंग वाला एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं एडवाइस करूँगा यदि आप आते हैं फर्स्ट टाइम तो हाफ ट्रैक कर लें, बिकॉज जो फुल ट्रैक है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, काफ़ी लंबा टाइम और काफ़ी एक्सपर्ट्स उसमें की जरूरत पड़ती है। तो हाफ ट्रैकिंग आप कर सकते हैं दिसंबर टू अप्रैल में, इवन मई तक आप आ सकते हैं। इसके अलावा इसका मानसून सेशन में भी इस वैली की काफ़ी खासियत है, बिकॉज ये जो वैली है पूरी यहाँ पे वाटर फ्लो होता है, यहाँ अंदर आप नहीं आ सकते बट आउटसाइड से और ऊपर से इसको आप देख सकते हैं, इसका व्यू ले सकते हैं। और इसका जो यहाँ चारों तरफ वाटर फ्लो होता है एंड वाटरफॉल्स होते हैं, रिवर्स वाटरफॉल भी यहाँ पर होता है, वो भी काफ़ी देखने लायक होता है, तो वो भी आ सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो करता हूँ एंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।